नमस्कार, ग्रीटिंग्स। हम समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फंड। मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल, प्रेसिडेंट हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया। रिसेंटली हेल्थ मिनिस्ट्री ने चार्टर ऑफ पेशेंट्स राइट अपनी वेबसाइट पर डाला है। आइए इन 17 पेशेंट्स के राइट्स को जानें। सबसे पहला है राइट टू इंफॉर्मेशन। पेशेंट को पूरा राइट है कि वो हर चीज जो उसके मन में जिज्ञासा है वो उसके सवाल के उसको उत्तर मिले। नंबर टू इज राइट टू रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो पेशेंट की मलकियत है, कभी भी वो उसको मांग सकता है। अगर हॉस्पिटल में एडमिटेड है तो आवरली भी मांग सकता है, डेली भी मांग सकता है। ही हैज टू बी ए पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। तीसरा, राइट टू इमरजेंसी मेडिकल केयर। ये उसका फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है। स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल 47 भी यही कहते हैं कि इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई भी पेशेंट को कैन नॉट बी डिनाइड ऑफ एन इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, राइट टू इन्फॉर्म्ड कंसेंट। पेशेंट का राइट है कि आप उसको कंसेंट के टाइम पे हर चीज बताएं, उसकी लैंग्वेज में बताएं। उसको सिर्फ बताएं नहीं, ये भी जान ले कि उसको समझ में आया कि नहीं आया। दैट इज व्हाट इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज। राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी, ह्यूमन डिग्निटी एंड प्राइवेसी। अगर पेशेंट की जो इंफॉर्मेशन है उसे आपने कॉन्फिडेंशियल रखना है, और अगर पेशेंट आपको दिखाने आ रहा है तो उसकी प्राइवेसी आपको मेंटेन करनी है। उसको ऐसा एटमॉस्फियर देना है ताकि कोई दूसरा आदमी वहां पे ना प्रेजेंट हो। राइट टू सेकेंड ओपिनियन। अगर पेशेंट चाहता है, यह उसका हक है कि मुझे किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाना है, तो आप उसको मना नहीं कर सकते, चाहे सेम हॉस्पिटल हो चाहे कहीं और पर भी हो। राइट टू ट्रांसपेरेंसी इन रेट्स एंड केयर अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब रेट्स वेयर एवर रेलिवेंट। पेशेंट अगर चाहता है कि आपकी रेट लिस्ट देखना, तो आपको वो रेट लिस्ट बाहर रिसेप्शन पे लगानी होगी और सारे रेट्स आपको उसको बताने होंगे। राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी इन फ्रंट ऑफ द लॉ। आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि मेल है कि फीमेल है, कि ट्रांसजेंडर है, कौन से रिलीजन का है, कौन सी कास्ट का है, कौन सी क्रीड का है। राइट टू सेफ्टी एंड क्वालिटी केयर अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स। आप उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। सेफ्टी फर्स्ट इज आवर फंडामेंटल प्रिंसिपल। राइट टू चूज ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस इफ अवेलेबल। आपकी ड्यूटी बनती है उसको बताना। अगर वो कहता है कि नहीं मुझे आयुष में ट्रीटमेंट कराना है, यह तो उसका ऑप्शन है। राइट टू चूज सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग मेडिसिन और टेस्ट। आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि इसी लैब से टेस्ट कराओ, इसी लैब से आप एक्सरे कराइए, और या इसी केमिस्ट से आप जाके दवाइयां खरीदिए। राइट टू प्रॉपर रेफरल एंड ट्रांसफर विच इज फ्री फ्रॉम परवर्स कमर्शियल इन्फ्लुएंसेस। अगर पेशेंट चाहता है कि मुझे आप रेफर करिए दूसरे अस्पताल में, तो आप उसको मना नहीं कर सकते। राइट टू प्रोटेक्शन फॉर पेशेंट्स इन्वॉल्व इन क्लिनिकल ट्रायल्स। अगर क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है तो आपको उसकी कंसेंट लेनी होगी, उसको बताना होगा, ICMR की गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी, DCGI की गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी, और पेशेंट को फ्रीडम देनी होगी कि वो जब चाहे इस ट्रायल से बाहर निकल सकता है। राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व इन बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च। अगर आप रिसर्च के अंदर में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो सेफ्टी कम्स फर्स्ट। सेफ्टी आपको पेशेंट को हर लेवल पे बतानी होगी। राइट टू टेक डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट और रिसीव बॉडी ऑफ डिसीज फ्रॉम द हॉस्पिटल। पेशेंट चाहे कि मुझे छुट्टी चाहिए, तो आप उसको मना नहीं कर सकते। आप लिखवा सकते हो, रिस्क पेशेंट का होता है, लेकिन आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। और किसी की डेथ हो जाए तो उसकी बॉडी को आप रख नहीं सकते। राइट टू पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट एजुकेशन उसका कर्तव्य है कि हर पेशेंट को उस बीमारी की एजुकेशन देना आपका बेसिक उद्देश्य है और कर्तव्य है। राइट टू बी हर्ड एंड सीक रिड्रेसल। अगर पेशेंट खुश नहीं है तो वो आपके पास आ सकता है, नहीं तो फिर आपके पास मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो किसके पास में जाए। याद रखिए, हम डॉक्टर्स भी पेशेंट्स हैं, ये हमारे भी राइट्स हैं। जब हम पेशेंट बनके किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, हमेशा वो ही करना चाहिए जो हम जब किसी के पास जाएं जो एक्सपेक्ट करें। तो ये 17 के 17 राइट्स जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने
अपनी वेबसाइट पर डाले हैं, इसका मतलब आगे जाके बड़ा सिंपल है कि इन राइट्स के वायलेशन से ह्यूमन राइट कमीशन भी आपको बुला सकता है, आपके ऊपर इंक्वायरी कर सकता है और मरीज रिड्रेसल के लिए उनके पास भी जा सकता है। आइए हम अपने प्रोफेशन की गरिमा को मेंटेन करें, इन चार्टर ऑफ पेशेंट्स राइट्स को अपने क्लिनिक पे लगा के रखें और हर स्टेप में हम पेशेंट को इज्जत देना देखें। अहम ब्रह्मास्मि तत्वामसि, अगर मेरे अंदर भगवान है तो मेरे पेशेंट के अंदर में भी भगवान है और हमें उसका आदर करना चाहिए। थैंक यू।